योगीराज चुनाव की नजदीकियां और जेल में मुख्तार अंसारी। बता दें हाल में खबरें थी कि माफिया मुख्तार अंसारी को तबीयत खराब होने के बाद बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये खबर सुनने के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार खौफजदा हो गया है। उन्हें लग रहा है कि अतीक अहमद के बाद अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। इस खबर के बीच मुख्तार अंसारी के बेटे अमर अंसारी आनन फानन में अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन अमर को मुख्तार अंसारी से मिलने नहीं दिया गया। अमर अंसारी का कहना है कि मैं 900 किलोमीटर चलकर आया हूं, रोजे से भी हूं, मगर मुझे पिता से मिलने नहीं दिया गया, शीशे तक से भी देखने नहीं दिया गया, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। अमर अंसारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम कानून के रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है कि वो हमें न्याय देंगे। मैं फिर कल आऊँगा, मुझे मिलने की इजाज़त मिले, अपने पिता को देखने दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि अमर अंसारी ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने मानवता नहीं दिखाई है। पुलिस, नियम, कानून सब कुछ है, लेकिन मानवता भी एक चीज होती है। हमें बताया गया था कि हम केवल एक ही आदमी को मिलने देंगे, चाहे मैं मिलूं या फिर अफजाल अंसारी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिलने दिया गया। मेरी कामना है कि मेरे पिता जल्द ठीक हो जाएं, कल फिर आऊंगा, शायद मुलाकात हो जाए। इतना ही नहीं, अमर अंसारी ने यहाँ मीडिया के सामने अपने और अपने पिता के रिश्ते का दर्द भी बयां किया। अमर का कहना है कि 25 से 26 साल की अपनी जिंदगी में मैं 25 साल बिना अपने पिता के रहा हूँ। मैंने पिता के बिना बकरीद मनाई, दीपावली मनाई। आज जब मैं उनको इस हालत में देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। मुझे शीशे से भी उनको देखने नहीं दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें जेल में बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने बांदा जेल में किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए अपनी जान का खतरा भी बताया था। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।